और अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां घर से लापता हुए युवक का शव पानी की डिग्गी में मिलने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जी हां, इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मृतक के पिता ओम प्रकाश भाट ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि राजेश बिश्नोई, दिलबाग सिंह और दत्तक ने मिलकर उसके बेटे रोशन की हत्या की है। वहीं पुलिस नए सिरे से अब इस मामले की जांच में जुट गई है।